फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज यहाँ पे करने लगी हूँ एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमेशा ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, ऐसे होता नहीं है काम। नहीं तो मुझे ये कैबिनेट क्लीन करनी है, क्रॉकरी कैबिनेट, और सारे अपने जितना भी ये सामान है सब निकाल के मैं यहाँ टेबल पर रखूँगी। पहले टेबल क्लीन करूँगी, उसके बाद सारी क्रॉकरी यहाँ रखूँगी, और मैं उसके बाद चली जाऊँगी मार्केट, और उसके बाद आके जब खाने वाने से फ्री हो जाऊंगी तब जाके मैं सारी सेट करूंगी कैबिनेट के अंदर। और मैं पहले निकाल के इसलिए जा रही हूँ ताकि जब मैं मार्केट से आऊँ तो मुझे आलस ना आए कि इसको समेटना है, करूँ काम ना करूँ। जब सामने पड़ी चीज़ दिख जाएगी ना तो अपना मन करेगा कि हाँ चल इसको आज समेट ही लेते हैं। तो बस अब मैं यहाँ से सामान खाली करती हूँ, उसके बाद सारी क्रॉकरी मैं बाहर निकाल दूंगी। कप्स वगैरह हैं, बॉटल है, कुछ चीज़ों में मिट्टी इतनी पड़ गई है, मुझे लग रहा है मुझे सारी वॉश करनी पड़ेगी एक बार पानी से, और उसके बाद ही जाके क्योंकि सूखेंगे फिर जाके मैं अलमारी में रखूँगी। तो चलो कोई नहीं, अब मैंने निकाल दिया तो अब तो मुझे करना ही है, मैंने सोच लिया कि बस आज करना है मुझे जितना मेरे से हो पाया, नहीं तो बाकी का मैं कल करूँगी। और आप देख सकते हो कि क्रॉकरी यूनिट पे कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है, और इसको मुझे कम से कम 6-7 महीने बाद मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। मौका ही नहीं मिलता था, या कह लो मुझे आलस आ जाता था ये एक्स्ट्रा काम करने का, बट अब मैंने सोचा कि चलो आज तो कर ही लेते हैं। तो आप ही देख सकते हो कितनी मिट्टी है, तो बस इसको मैं क्लीन करवाऊँगी और उसके बाद जाके इसके अंदर क्रॉकरी सेट करूँगी। तो चलो अब मैं सारी क्रॉकरी पहले बाहर निकाल लेती हूँ। और जो मैंने आपको बताया था ना अनाया का, मैंने ये केटल ऑर्डर किया था अपनी कज़न से, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये, तो ये है उसके साथ का कप, इस पर लिखा हुआ इट्स अ गर्ल, तो ये इस तरीके से था, तो हम कैबिनेट में इस तरीके से रख सकते हैं, तो ये जगह भी नहीं घेरता और कितना क्यूट लगता है किसी को भी अगर गिफ्ट देना हो तो, है ना। और ये मुझे मिला था शायद से 1100 का ये पूरा सेट था, और शिपिंग के चार्जेस इसके साथ इंक्लूड थे तब जाके ये 1100 का था, या शिपिंग फ्री थी या मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल 2 साल पहले लिया था तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा था सेट। की क्रॉकरी इनको भी पहले निकालती हूँ, देखती हूँ कहाँ रख सकती हूँ। तो इस कैबिनेट को मैंने पूरा खाली कर दिया, और इसे क्लीन करने के बाद मैं इसके मतलब सेट करूँगी, और जो क्रॉकरी मैंने निकाली थी वो मैंने इस टेबल पर रख दी थी, इस टेबल से सारा सामान हटा के, और ये वाला टेबल तो ऑलरेडी वैसे ही भर चुका था। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो सोचा फटाफट से सब्जी भी बना लेती हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगी मार्केट के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज सिंपल से तरी वाले टींडे और साथ में पनीर की भुर्जी। तो ये बिना प्याज, टींडे और घिया और तोरी जैसी सब्जियाँ जो होती हैं ना वो मैं बिना प्याज के बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बस यहाँ पर मैंने ज़रा सा घी लिया था, जीरा और 2 टमाटर के जो पेस्ट बनता है वो बना लिया था, और साथ में ज़रा ज़रा से इसके अंदर नमक मिर्च मसाले जो भी मैं डालती हूँ बिल्कुल ज़रा ज़रा से डाले हैं, और साथ में इतने से ये टींडे थे, और इसको मैंने कट कर लिया था, कट तो इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं।
टिंडे की रेसिपी शायद मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने शायद आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल वाली बनती है और मुझे टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बल्कि घिया से भी ज़्यादा अच्छा मुझे टिंडा लगता है, और तोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था, और अब बस ये बन जाएंगे। और साथ साथ अब मैं बना लेती हूँ पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी के लिए भी मैंने थोड़ा सा घी लिया था, और इसके बाद डाल दिया था इसमें जीरा और हींग, और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। तो मैंने 3 प्याज लिए थे क्योंकि मैं 300 ग्राम पनीर की भुर्जी बनाने लगी हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने प्याज लिए हैं। तो प्याज जब बिल्कुल थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना, तब इसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्च। डालनी तो मुझे पहले थी, मैं भूल गई थी पहले डालना, तो इसलिए मैंने अब आपको दिखाया है डालते हुए। और अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, बाकी मैं गार्निश के टाइम पे डालूंगी। और इसको मैं एक बार चला लूंगी, और इसके अंदर फिर नमक मिर्च मसाले डाल दूंगी जितने मेरे को इस सब्ज़ी के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो ज़रा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाला था, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, और इसके अंदर डाला था मैंने धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसके अंदर पनीर का मसाला भी डालूंगी, वो थोड़ा बाद में डालूंगी। तो बस इसको मैंने एक बार चला लिया था, और इसके अंदर फिर मैं डाल दूंगी मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। ये वाले पनीर की भुर्जी बहुत ईजी होती है, ये मेरी मम्मी बनाती हैं, बिना टमाटर की होती है ये, और बहुत जल्दी बहुत क्विकली बनती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस इसके अंदर 2-3 चम्मच मैंने मलाई डाल दी थी और थोड़ा सा पानी। अब इसको एक बार और चला दूंगी, और फिर इसके अंदर पनीर भी डाल दूंगी। तो बस यही थी मेरी आज का मतलब खाने का, कि मतलब ये रात को काम आ जाएगा। नीचे मम्मी को टींडे दे दूंगी और थोड़ी सी पनीर की भुर्जी। और मन्नू और अनाया बिल्कुल नहीं खाते टींडे, इसलिए उनके लिए ये एक सब्ज़ी बनाती हूँ दूसरी। तो मुझे देखना पड़ता है सबका कि सबको क्या पसंद है क्या नहीं। और इसके अंदर मेरे को मलाई की थोड़ी कमी लगी तो मैंने और डाल दी थी, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ना बने, थोड़ी सी ग्रेवी हल्की सी होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया पनीर का मसाला, जो कि अच्छा फ्लेवर देता है बिल्कुल पनीर को। और इसमें बिल्कुल ज़रा सी मैंने चीनी डाली है, चीनी मैं पनीर में ज़रूर डालती हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीठापन होना चाहिए, बहुत मीठा भी नहीं, इसको बैलेंस कर देता है। तो बस मेरी अब ये सब्ज़ी भी रेडी है, तो अब मैं मार्केट के लिए निकलने लगी हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है आज। तो बस अब मैं निकलने लगी हूँ मार्केट के लिए क्योंकि हो रहा है लेट मुझे, और मैंने सोचा था मैं निकल जाऊँगी 5 बजे, लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल मेरे से, और अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ, और फिर आके देखती हूँ मुझसे कितना हो पाता है, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों में मिट्टी लगी हुई है, वो सब क्लीन करना है, और फिर उसके बाद सुखाने में टाइम लगना है। तो या तो मैं कल करूँगी, कल करूँ आज करूँ, चलो देखते हैं, अभी सोचती हूँ थोड़ा सा। तो मैं आ गई थी मार्केट में, और ये मैंने मतलब जिस शॉप पे हम जाते हैं, स्त्री शॉप, जो काफ़ी अच्छी चीज़ें जहाँ पे मुझे मिलती हैं, उन्होंने अपनी ये न्यू शॉप खोली है वहीं पर ही, लेकिन थोड़ा गली के अंदर नहीं है, गली से बाहर है, और बहुत बड़ी शॉप खोल ली उन्होंने और 2 फ्लोर बनाए हैं। तो पहले तो इनके पास जगह पहले बहुत कम थी, लेकिन अब काफ़ी स्पेशियस हो चुकी है, और बहुत अच्छी वेराइटीज़ हैं इनके पास अब काफ़ी चीज़ों की, पहले भी थी अब और भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ ड्रेसेस लेने आई थी, कुछ मतलब ट्रेडिशनल सूट भी और वेस्टर्न भी, और साथ में मैं मेकअप का कुछ सामान देख रही थी अपना, कि मुझे अगर कुछ चाहिए हो तो, क्योंकि कई बार हमें वैसे याद नहीं आता लेकिन देख के याद आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वही लेने के लिए आई थी, और साथ में अनाया के लिए कुछ 1-2 चीज़ें ले ली थी। तो बस उसके बाद मैं अपना फिर घर के लिए निकल गई थी। आ गई, और ये है मेरी शॉपिंग। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं लाई क्या क्या हूँ, सोच रही हूँ अभी साथ साथ दिखा दूँ। तो ये एक मैंने सूट लिया है, पूरा सूट है, ये पूरा सेट है, मतलब पिंक कलर का है, और साथ में ये है पैंट, और ये चुन्नी है, दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा है और पतला, एकदम सॉफ्ट है एकदम कपड़ा इसका, अच्छी चुन्नी है, है ना मैम? हाँ। पहले इसको भी सेट करती हूँ।
और ये है एक शॉर्ट कुर्ती, और इसको हम जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं और लेगिंग्स के साथ भी। तो अच्छी लगी थी ये मेरे को, अच्छा प्रिंट है इसका और साइज़ भी मेरे को सही आया था, मैंने पहन के भी देख ली इसको। और ये हॉजरी में है ये, इसको हम एज ए नाइट सूट भी डाल सकते हैं और घर में जैसे हमें पूरा टाइम डाल के रखना है वो भी डाल सकते हैं डेली वेयर। तो ये डेली वेयर है और बहुत ही कूल है एकदम, तो इसका फैब्रिक ये पिंक कलर का है, कूल कलर है। और एक ये नाइट सूट है, एक ये इस ये पूरा सेट है नाइट सूट का, और लॉन्ग में लिया है। मैं लॉन्ग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, चाहे घर पे ही क्यों ना हो तब भी मैं कंफर्टेबल लॉन्ग में ही करती हूँ। और ये साथ में लोअर है, लेकिन हाँ मुझसे गलती होगी, मैंने वहाँ लोअर पहन के नहीं देखा और मुझे लग रहा है ऑल्टर कराना ही पड़ेगा, नहीं तो लटकता रहेगा नया। और ये वहाँ से अपना कुछ कॉस्मेटिक का भी सामान लेकर आई हूँ, उन्होंने अपना शॉप भी चेंज करी है और पैकिंग भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया उन्होंने, नहीं तो वो एक ब्लैक कलर का पॉलीथिन देते थे छोटा सा तो उसके अंदर डालते थे, और अब इन्होंने ये वाली पैकिंग दी है। बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली पैकिंग, है ना, ये काम भी आ जाते हैं, ये काम आ जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा है, सबसे प्यारा ये गोल्डन कलर का है, मेरे को तो येलो वाला ज़्यादा अच्छा, सारे अच्छे हैं वैसे, मुझे अच्छा लगती है ऐसी पोर्टली टाइप्स। और इसके अंदर चलो पहले देखते हैं क्या है। हाँ तो ये है लैक्मे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैट रियल मूज, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये मुझे पड़ा था 799 का, देखो कितना छोटा सा है बिल्कुल, और ये 25 ग्राम का है। और इसके लिए कंसीलर वगैरह किसी भी चीज़ की, कॉम्पैक्ट हो और फाउंडेशन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। और इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा मेकअप करके कि बहुत हैवी सा लग रहा है हमारा फेस, और बहुत अच्छा है, मतलब मैंने इसको अपने हैंड पे यूज़ करके देखा था। और ये है लैक्मे विटामिन सी का फेस सीरम, और इन्होंने बोला था कि भाई आप इसको ना बिना मेकअप के फेस पे यूज़ करो, जितने भी हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं उन सबको भी ये बहुत जल्दी रिमूव करते हैं, मतलब वन मंथ के अंदर इसका रिज़ल्ट दिख जाता है। और ये मैंने लिया था आईलाइनर, याद हो तो मैंने कुछ व्लॉग पहले ये वाला सेम आईलाइनर लिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट दिखा तो मैंने एक और ले लिया। कई बार क्या होता है कि मार्केट में मिलती नहीं है सेम चीज़, तो बस इसलिए मैंने ले लिया, और बार बार मार्केट जाया भी नहीं जाता इसलिए। तो ये मैंने दो लिपस्टिक ली थी, 550 की है एक, तो दो लेने पर हमें 1000 की पड़नी थी, तो मैंने इसलिए ये दोनों ले ली। तो कलर बहुत ही लाइट है इसके, जब लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, मुझे इसके कलर बहुत अच्छे लगे थे। और इसमें मिला है ये, मैं नया के लिए लेकर आई थी पेन, दिखाऊं एक सेकंड मैं दिखाऊं, तो ये नया दिखाएगी, तो ये पेन है और यहाँ से टॉर्च जल जाती है, ये सबसे अच्छा पार्ट लगा मेरे को। ये 100 रुपीज का पेन है, और ये ओपन कैसे होता है वो भी तो दिखा दे, वही बना हुआ। और ये पेन यहाँ से ऐसे खुल जाता है, ये इसका कैप है, इसकी इतनी बड़ी कैप है, इतनी बड़ी। लिप बाम, ये लिप बाम भी अच्छी लगी मुझे, तो नायक ले लिया, इसने यही लगाई है आते ही। ठीक लगी आपको ये? हाँ बस इतनी भी नहीं लगाते कि लगाते ही रहो, ये जब कितनी क्यूट है। सॉरी गाइज, मुझे बीच बीच में ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर सामने फ्लैट में काम चल रहा है, तो वहाँ पे मशीन चल रही है जिस वजह से मेरे को बार बार म्यूट करनी पड़ रही थी वॉल्यूम। और ये है छलनी जो मैंने ली थी, एक मुझे चाहिए थी पालक धनिया वगैरह सब वॉश करने के लिए, और ये कुछ ग्लासेस लेकर आई हूँ, 6 का सेट लेकर आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। वैसे मैं पास ना ग्लासेस की कमी हो रही थी बहुत ज़्यादा, है नहीं ग्लासेस कुछ भी कोल्ड ड्रिंक के लिए या शेक्स के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगे, आपको कैसे लगे मुझे बताना, सिंपल से हैं बहुत और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे वाले। तो बस अब इनको भी मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद जाके फिर इसे अपनी क्रॉकरी यूनिट में सेट कर लूँगी। 7:30 हो चुके हैं, अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने।
तो फिलहाल तो अभी ये सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो अब इसको मैं कल देखूंगी कि मुझे क्या करना है। पहले वॉश करना है, फिर सुखाना, जो भी करना होगा वो मैं कल देखूंगी। अभी फिलहाल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। चलो अब मैं अपना चेंज करती हूँ और जाती हूँ किचन में। तो सब्ज़ी तो मैं पहले ही बना के गई थी, बस इसे मैं गरम कर रही थी और उसको थोड़ा सा मैं ना करछी से मैश कर देती हूँ। थोड़ी सी मैशी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे फिर वो आलू हो और टींडे हो या घिया वगैरह कुछ भी हो तो अच्छा लगता है। बस तो मेरी ये सब्ज़ी रेडी है और अब इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया और पनीर की भुर्जी में भी मैं धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी। और अब आप देख सकते हो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो टींडे तो मेरे वैसे ही बहुत मुझे फेवरेट है मेरे, और मैं बिना रोटी के भी इसको खा सकती हूँ। और बस अब इन दोनों को मैंने गार्निश कर दिया था धनिया के साथ, ताकि देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी। तो बस अब मैं अनाया के लिए खाना डाल देती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप भी आओ और हमारे साथ सिंपल सा खाना हमारे साथ शेयर करो। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ कौन सी शेयर करूँ। तो जिसका पहला मैसेज आएगा उसी की मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपसे कल की वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।